A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is 27th May 2018. Aaj this video is in English as well as in Urdu Hindi language. Ye video English mein bhi aur Urdu Hindi language mein bhi hai. I'm trying to be fast in this video. Main thoda fast hone ki koshish kar raha hu. I'm trying to tell you in short, the Muslim prophecy says that a group will attack the Mahdi alayhi salam's believers and they will overcome, and that group is called the Bani Kalb, the nephew of the Bani Kalb, whose maternal uncle is from the Kalb tribe, will attack, and the believers of the Mahdi will overcome on in this attack. It is mentioned hadith sharif mein aata hai ki Bani Kalb ka hamla hoga. Bani Kalb ka bhanja jiska uncle jo hai maternal जिसका मैटरनल अंकल जो है बनी कलब से होगा वो अटैक करेगा. कुछ ऐसी ही डिटेल्स है हदीस में. वो अटैक करेगा मेहदी अलैहिस्सलाम के मानने वालों पर, और मेहदी अलैहिस्सलाम के मानने वाले उस पर गालिब आएंगे. वो लश्कर अटैक करेगा. बनी कलब का वाक़या, तो ये वाक़या 2013 में हुआ. 2012 में मेरे घर के घेराव का सीन हुआ, जब मुझे बाहर निकाला गया ज़बरदस्ती. तब जो है मैं अल्लाह हुज़ूर बोल के अनाउंस किया. वो अनाउंस हुआ लेकिन उसका जिक्र पहले से हदीस में बिहारुल अनवार में मौजूद था, जो इसका मुझे इल्म नहीं था. फिर जो लोग आए थे वो सारे गायब हो गए, यानी ऐसा जैसा कि ज़मीन उनको निकल गई. ये वाक़यात, ये बीच में एक रास्ता, एक रुकने की जगह टेम्पररी, और एक मुक़ाम यानी मेरा ओन हाउस, बीच में रास्ता मैदान खुला, एक रास्ता सिटी को जाता है यानी मदीना को, और बीच में वो गाँव एक इलाका जहाँ पर लोग जमा हुए, रास्ते के चलने के लोग, और वो सब के सब गायब हो गए सिवाय एक न्यूज़ रिपोर्टर के. और न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ दिया जिसकी न्यूज़ सारे आसमान से आई, यानी सैटेलाइट चैनल के ज़रिए. 2012 में वाक़या हुआ. उसके बाद बनी कलब का वाक़या 2013 में हुआ, दिसंबर 17 या 18 के दिन. उस वक्त मैं क़ैद में था दुश्मनों की. तब मुझे मालूम पड़ा कि उन लोगों ने अटैक किया जो मेरा ही भाई, मेरे सगे मामा मिर्ज़ा ताहिर अली बेग का बेटा मिर्ज़ा आमिर अली बेग, जो नवीद कहता है, वो जो है ज़िम्मेदारी लेकर वो मसलेउद्दीन और अमीनउद्दीन के लोगों को, जो हायर किए हुए टट्टू थे यानी कुछ लोग थे लश्कर को यानी ग्रुप को भेजा, जो हमला किए मेरे घर पर, मेरे मासूम बच्चों पर, मेरी बीवी पर और मेरी वालदा पर. जो लोग मौजूद थे घर में, सारा सामान लूट के लेके गए, और पैसे लूट के लेके गए, फ़ोन्स लूट के लेके गए, सब सामान लूट के लेके गए. ये वाक़या हुआ, ये इसको बनी कलब का वाक़या कहते हैं. ये वाक़या 2013 में हो चुका, दिसंबर के महीने में, जिसका पुलिस रिकॉर्ड भी मौजूद है. फिर उसके बाद ही मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे वालदा, इन लोगों के ऊपर गालिब आए और उनको भागना पड़ा. ये वाक़या हो चुका. दिस सीन ऑफ अटैक ऑफ बनी कलब हैव ऑलरेडी हैपेंड इन 2013 December 17, when the my own maternal uncle Mirza Tahir Ali Beg's son Mirza Amir Ali Beg took the responsibility from Masleuddin and Aminuddin to vacate the position of my site in Upparpalli Rajendranagar Telangana state, and he had many persons to attack my family and dispose them, and that scene is over. That is called the Bani Kalb scene, which is mentioned in hadith. That is already over. Please investigate into the matter. Go to the website masih007.com and investigate. ये वाक़या बनी कलब का वाक़या एक छोटा सा वाक़या था, जो मेहदी अलैहिस्सलाम के 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे, ये भी लिखा हुआ है हदीस में. कोई ईमान नहीं लाएगा जब दावतुल मिलल अर्ज़ निकलने तक, ठीक है. तो पता चला मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ जो लश्कर, मेहदी अलैहिस्सलाम के जो बिलीवर हों, 30 से कम होंगे, 30 के अंदर होंगे. तो वो मेरे खुद घर वाले थे, मेरे बीवी बच्चे थे, मेरे वालदा थे, मेरे भाई बहन रिश्तेदार जो घर पर रह रहे थे, उनके ऊपर वो हमला हुआ 2017 में, और उनको डिस्पोजिशन करने की कोशिश किए, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी मेरा मुमेरा भाई मिर्ज़ा आमिर अली बेग, जिसको नवीद कहते हैं, जिसके मैटरनल अंकल जो है कामरान हैं, जो यहूदी नस्ल से यहूदी हैं लेकिन मुसलमान हैं, क्योंकि मेरी जो मामी हैं वो गोरे हैं और वो यहूदी नस्ल से हैं लेकिन उनको इल्म नहीं है. तो वो कामरान के भांजे होते हैं मिर्ज़ा आमिर अली बेग, जिसे नवीद बोलते हैं. उन्होंने हमला करवाया ज़िम्मेदारी लेकर उनको खाली करवाने, क्योंकि मसलेउद्दीन अमीनउद्दीन को वो जगह बेच चुके थे बिना मेरी इजाज़त, बिना मुझे पैसे दिए हुए. तो वो जगह जो है ना कब्ज़ा कराने के लिए वो कोशिश किया, और ये वाक़या हो चुका बनी कलब का. इसे वाक़या कहते हैं, बनी कलब का हमला. फिर इसके बाद 2014 में
काबा ढा जाने का सीन हुआ मेरे साथ, जो 2014 में हुआ, सितंबर 18 की रात को ये वाक़या हुआ। फिर उसके बाद हमारा शिफ्टिंग हुई भोंगिर में, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर दावतुलर्स का सीन हुआ। डिड यू अंडरस्टैंड? काइंडली इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर। ये मैटर को आप इन्वेस्टिगेट करके देखिए, ये वाक़या हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह।